तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊँ। क्यों बनना चाहिए फिल्म का सीक्वल? क्या होगा फेमस फिल्म के बिना? क्या सलमान भाई जान के बिना मूवी पॉसिबल है? सल्लू भाई और उनके फैंस के लिए उनकी तेरे नाम मूवी काफी अहम है और उनकी लाइफ में इस मूवी की एक स्पेशल जगह है। अब जब बॉलीवुड में रीमेक्स बनने का तूफान आया है तो तेरे नाम का भी रीमेक या सीक्वल बनने की बातें की जा रही है और ये सुनकर भाई के फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि फिर से एक बार सलमान खान को राधे के किरदार में देखना कौन पसंद नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर हम मूवी क्यों बननी चाहिए इन वजहों की बात करें तो उनमें सबसे पहले है सलमान का साइको लवर वाला किरदार। इस मूवी से ही सलमान के करियर को बूस्ट मिला था और उनका फैंडम इंक्रीज हुआ था। इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ था और एक ऑब्सेसिव लवर और मेंटली इल कैरेक्टर प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए टफ हो सकता है, और जब आपके फैंस आपसे एक रोमांटिक हीरो वाले किरदार की एक्सपेक्टेशंस कर रही हो तब ऐसा साइको और नेगेटिव किरदार प्ले करना एक डेयरिंग वाली बात होती है जो सलमान ने दिखाई थी। उसके बाद अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो वो है मूवी के गाने। मूवी का टाइटल ट्रैक तेरे नाम आज भी हम सभी को याद है और इस गाने के साथ साथ हमारी कई यादें भी जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आता है राधे का फेमस हेयर स्टाइल जो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर बनी थी और उस दौर का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने वो हेयर स्टाइल ना कराई हो। उसके बाद अगर हम चौथी वजह की बात करें तो वो है इस मूवी से डेब्यू करने वाली भूमिका चावला की एक्टिंग। हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके बिना मूवी अधूरी थी और उनके किरदार ने सलमान को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने एक बेचारी लड़की वाला रोल निभाया जिसके पीछे एक साइकोपैड किया गया था। और अब आते हैं हमारी आखिरी वजह पर जो है मूवी की पॉपुलैरिटी और कलेक्शन, और जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। तो ये सभी बातें ये प्रूव करती हैं कि सलमान की तेरे नाम का रीमेक ज़रूर बनना चाहिए। जैसे तेरे नाम के बाद सलमान की पॉपुलैरिटी और तेरे नाम सॉन्ग वायरल और फेमस हुआ था, वैसे ही इस बार भी हमें उम्मीद है कि सलमान का कुछ ना कुछ तो फेमस होने वाला है। वैसे भी सल्लू भाई जो भी करते हैं वो फेमस हो ही जाता है और अब तो रील्स का ज़माना है और किसी भी चीज़ का ट्रेंड बनने में देर नहीं लगती। इसलिए सलमान की हेयर स्टाइल, उनका कोई हुकअप स्टेप, उनका डायलॉग या उनका साइको अवतार फेमस होने ही वाला है। लेकिन ये बात भी सुनने में आ रही है कि तेरे नाम टू में हमें सलमान राधे का रोल करते हुए नज़र नहीं आने वाले हैं। अब इसकी वजह तो क्या है ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन हम तेरे नाम मूवी को सलमान के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। नो डाउट बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है, लेकिन फिर भी सलमान तो सलमान है। अगर ऐसा होता तो भाई के फैंस उनसे ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन भाई अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है तेरे नाम टू में। क्या आपके हिसाब से तेरे नाम टू बननी चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।